हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता। आयुर्वेदा इंफो मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर का फूल, ये इसे साधारण फूल समझने की गलती मत कीजिएगा। बड़ी मेहनत से मैं इसे लेकर आई हूं और हर इंसान का भाग्य बदलने की शक्ति रखता है ये पौधा। जी हाँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी फल नहीं मिल रहा है। कितने भी उपाय किए आपने लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं देता। तो आपके लिए अगर ये पौधा कहीं मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात, जो लोग किए कराए की चपेट में हैं, जी हाँ, मैंने भी पौधा लगाया है अपने घर में पर अभी बहुत छोटा है। जो भी किए कराए की चपेट में हैं वो अगर परेशान हैं तो इस पौधे को कहीं से मंगवा लीजिए और इसकी जड़ को अपने पास रखिए। किसी भी तरह के जादू टोने टोटके का असर नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इस पौधे को, इस चमत्कारी पौधे को भगवान शिव का आशीर्वाद ही समझिए आप। धरती पर कलयुग में अगर आपका साथ कोई देता है, आसान नहीं होता भगवान को सिद्ध करना। लेकिन आप भगवान को सिद्ध कैसे करेंगे, कहाँ प्राप्त करेंगे भगवान को? जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। और आपका मन शांत कैसे होगा जब सामने वाला आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है, आपके घर में जादू टोने कर रहा है? तो घर में वास्तु दोष भी हो सकता है, किसी भी तरह की समस्या हो, वास्तु दोष हो, कमाई इनकम नहीं हो रही है, टोने टोटके हैं, निराशा भरी पड़ी है, आपके पीछे कोई मनुष्य जानबूझकर पड़ा हुआ है। असल में इसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है जिसका अंदाज़ा लगा पाना आपके लिए कठिन है। हमारे हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो पूजनीय स्थान है प्राप्त कर चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि उसमें भगवान का वास होता है। अलग अलग देवी देवता भिन्न भिन्न रूपों से और भिन्न भिन्न पेड़ों के वृक्ष की जड़ों में, शाखाओं में, पत्तों में, फूलों में आदि में वास करते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास है, धार्मिक दृष्टि के अनुसार अगर पौधों को सही जगह पर सही दिशा में लगा दिया जाए तो विधि विधान के साथ नियमित रूप से उनकी दिशा जानकर पूजा की जाए तो आपके घर पर भगवान की कृपा बनी रहती है। जी हाँ, इस प्रकार भगवान शिव की कृपा के लिए जो भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा इसका वो है, वर्णन है, काले धतूरे का पौधा कहीं मिल जाए आपको तो इसे अपने घर में लगाने और नियमित पूजा अर्चना करने से भोले शंकर की कृपा प्राप्त होती है। और भी बहुत से लाभ हैं इस धतूरे के, धीरे धीरे करके मैं बताती हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल से ये पौधा मिला, इसके मैं बीज लेकर आई थी, मैंने लगाए हैं गमले में, एक उगा भी है और भी धीरे धीरे उगेंगे शायद। अगर नहीं उगे तो भी कोई बात नहीं, मैं और मंगाने का प्रयास करूँगी क्योंकि ये पौधा सभी को चाहिए। बहुत से लोगों ने जब इसकी विशेषता के बारे में सुना तो मुझसे मांगा, पर अभी तो एक छोटा सा पौधा निकला हुआ है। फिर किसी दिन उसका वीडियो बनाऊँगी मैं, तब आपको दिखाऊँगी भी थोड़ा हो जाए। भगवान भोलेनाथ को काला धतूरा प्रिय है। इस पौधे को लगाने से नकारात्मक शक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, सुख शांति आती है, सुख समृद्धि आती है। और खासकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धतूरा लगाने का अच्छा दिन रविवार या मंगलवार माना जाता है। अगर आपको कहीं मिल जाए, आपके आसपास होते से घर में लगाइए। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं। जी हाँ, कहने को काला धतूरा है पर इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं, काले नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हाँ पत्ती डार्क कलर की होती है थोड़ी, जैसे कि मैंने दिखाया है, हल्की हरी नहीं होती, थोड़ा सा डार्क कलर की होती हैं, एकदम तीखी हरी होती हैं बिल्कुल इसकी पत्तियाँ। और आप जैसे कि श्यामा तुलसा देख रहे हैं, ये वृक्ष ईश्वर की कृपा से प्रदत्त हैं। नारायण का सबसे प्रिय वृक्ष ये है श्यामा तुलसा। जी हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, कोई बाधा सता रही है या छोटी मोटी बीमारियां हैं, खांसी है, जुकाम है, तो आप इसकी मंजरियों को, मंजरियों से कहते हैं कि पेड़ जो है जल्दी सूख जाते हैं, तो मंजरियां अगर आप इसकी समय से पूर्व ही तोड़ लें तो पेड़ को नुकसान नहीं होता है, आपका पेड़ ये 5 वर्ष तक भी जीवित रह सकता है। अगर आप इसकी मंजरियों को रहने देंगे तो पेड़ 1 साल के अंदर ही आपको सूख जाएगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि ये पेड़ जो है, जी हाँ, अगर आपको लगता है कि जैसे कि कहा जाता है निसंतान दंपति है, उनके लिए भी काले धतूरे की जड़ अगर सावन मास में मिल जाए तो ये कामना पूर्ति की तरह मानी जाती है। किसी प्राचीन शिवलिंग को समर्पित करें और उसे लाकर संतान, चूँकि जिसको इच्छा है वो अपनी कमर में बांधें, इससे जो है
घर को शांति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है। जैसे कि घर परिवार में अगर आपके घर काला धतूरा है, इसका पौधा है, इसका पत्ता है, फूल है, ये भगवान को चढ़ाकर फिर इसके बाद में सुखाकर आप घर में रख लें और माँ काली का जाप करें, तो माँ काली और महादेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपकी हर बाधा का निवारण वो स्वयं करते हैं। फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से ऐसे पौधे हैं, मैं फिर कभी अगर मुझे दिखाना बेटर लगता है, अगर मैं ऐसे ही कहीं से पिक्चर लेकर बताऊं आपको तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये मेरे खुद के ली हुई पिक्चर्स हैं, लेकिन ये देखिए काफ़ी टाइम हो गया, मैं जब गई थी तब ये वीडियो बनाकर लाई थी, करीब 3 महीने पूर्व, बहुत से दिनों सोच रही। अब देखिए ये तीसरा पौधा, अब ये पौधा है बांदा। जी हाँ, किसी पेड़ पर अगर आपको ये बांदा दिखाई दे जाए, ये देखिए ये इस तरह से बांदा दिखाई दे जाए तो इसको घर ले आइए, सच में मन वांछित प्राप्त होगा। मेरे चैनल और की जानकारी अच्छी लगती हैं